तो भाई लोग आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक नई हॉरर फैंटेसी सीरीज जिसका नाम है द सैंडमैन। टोटल 10 एपिसोड है जिसका हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 37 मिनट से लेकर 54 मिनट के बीच में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है। लेकिन नेटफ्लिक्स से ज्यादा मैं तारीफ करूंगा वार्नर ब्रोस की, जो कि हैरी पॉटर के बाद कुछ एक ऐसा शो लेके आया है। हालांकि हैरी पॉटर एक मूवी थी, लेकिन ये एक ऐसा शो है जो हर एक ऑडियंस को पसंद आएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो आप लोग फिर भी देख लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना। खैर देखो, इस दुनिया के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि यहाँ पर हमें 7 गॉड्स देखने को मिलेंगे जिनके अपने किंगडम है, जिनके अपने अलग अलग पावर है। सबसे पहले गॉड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ डेस्टिनी, गॉड ऑफ डिजायर, गॉड ऑफ डिस्पैर, गॉड ऑफ डेरिलियम, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और फाइनली गॉड ऑफ ड्रीम, जिसे हम लोग द सैंडमैन या लॉर्ड मॉर्फियस भी कहते हैं। फिर शो की कहानी स्टार्ट होती है 1916 में, जहां पर हमें एक सनकी बुड्ढा नजर आता है जो कि अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करना चाहता है। तो इसलिए वो काले जादू की मदद से गॉड ऑफ डेथ को कैप्चर करना चाहता है और फिर उस गॉड ऑफ डेथ को ब्लैकमेल करके अपने मरे हुए बेटे को दोबारा से जिंदा करने के लिए उसे कहना चाहता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है और उसी वक्त रियल वर्ल्ड में मौजूद होता है गॉड ऑफ ड्रीम, यानी कि सैंडमैन, जो कि एक नाइटमेयर को मारने आया होता है। तो इसीलिए उस काले जादू की वजह से गॉड ऑफ ड्रीम कैप्चर हो जाता है और सालों साल वो कैप्चर रहता है उस बुढ़ो की कैद में। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, कैसे सालों साल बिना कपड़ों के सैंडमैन कैदी बना रहता है और फिर उसके बाद कैसे वो अपने किंगडम और अपने पावर को हासिल करने की कोशिश करता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको भाई ये शो ही देखना पड़ेगा। शो को काफी लार्ज, काफी डेप्थ, काफी फन, काफी बोल्ड, काफी ड्रीमी रखा गया है। एंड इसमें अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो यहाँ पर हमें जॉन कॉन्स्टेंटाइन, यानी कि वही कैनर रीव्स वाली मूवी अगर आप लोगों ने देखी है कॉन्स्टेंटाइन, जिसमें जॉन कॉन्स्टेंटाइन थे, तो यहाँ पर जॉन और एना कोमिस करके जॉन कॉन्स्टेंटाइन जो कि एक एग्जॉर्सिस्ट है। उसके शो में केन और एबेल भी हमें देखने को मिलते हैं। केन जो कि फर्स्ट मर्डरर बना और एबेल कैसे फर्स्ट विक्टिम बना वो भी हमें इस शो में बहुत ही अच्छे और फनी तरह से बता, जो कि आपको बार बार याद दिलाते रहेगा कि ये किसको रेफरेंस दे रहे हैं। गॉड ऑफ डेथ और लूसीफर भी देखने को मिलेंगे और एक रेवन भी देखने को मिलेगा जो कि आपको पर्सनल फेवरेट हो सकता है। अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो उसका VFX CGI बहुत गजब का लगा मुझे, हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज की और मैं आपको अलग अलग टाइमलाइन देखने को मिलेगी, लेकिन उस टाइमलाइन को लोगों ने इतनी अच्छी तरह से बताया कि आपको ऐसा लगता है कि आप खुद भी टाइम ट्रेवल के अलग अलग टाइमलाइन में जा रहे हो, जो कि मुझे अगेन बहुत अच्छा लगा। शो की एडिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, BGM ओ हो, मतलब यार वो कहीं ना कहीं आपको मूनलाइट या तो फिर इस तरीके की जो होती ना, एक क्या बोलते थे अरेबी की, वो एक अलग ही आपको दुनिया में लेके चली जाती है। इसका BGM भी आपको कुछ वैसा ही एहसास देता है। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई टॉम, जिसने यहाँ पर द सैंडमैन का रोल प्ले किया, ऐसा लगता है कि भाई वो पैदा ही हुआ था सैंडमैन के रोल को प्ले करने के लिए। उसके अलावा जो दूसरे एक्टर्स सब लोग अपने कैरेक्टर में बहुत ही ज्यादा सूटेबल लग रहे थे मुझे, मतलब कोई भी यहाँ पर मिस कास्ट नहीं लग रहा था। शो का प्रोडक्शन वैल्यू देखो तो बहुत बड़ा है यार, मतलब नेटफ्लिक्स की तरफ से ऐसा शो जो कि पोटेंशियल रखता है आगे, मतलब एक बहुत बड़े फ्रेंचाइज बन सकता है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में इस पर्टिकुलर शो को जिसमें हॉरर फैंटेसी सारे तड़के हैं वो बहुत पसंद करने वाले। और सिर्फ हॉरर और फैंटेसी डालने से शो हिट नहीं होता है, शो को उतनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट भी किया जाता है जो कि यहाँ पर किया भी है। स्टार्टिंग में जिस तरह से लोगों ने नरेशन के थ्रू काफ़ी कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की, वो इतना सिंपल नरेशन है कि साला बच्चा भी जिनको जिन्होंने कॉमिक नहीं पढ़ी है सैंडमैन की, तो उसको भी समझ में आएगा कि भाई चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ी और ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं, जो कि मुझे अगेन बहुत अच्छा लगा। एंड अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल ये शो कहीं से भी मुझे पकाऊ नहीं लगा यार, 10 एपिसोड पे एक सांस में आप लोग देख लोगे, यानी कि कंटिन्यूस आप लोग देख लोगे। पैरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा ये शो देखना चाहिए, इसमें कुछ भी सा अश्लील नहीं लगा। शो को रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10। डेफिनेटली मैं इसके season 2 का वेट करूंगा। बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा तो डिसलाइक करो, ज्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस शो को लेकर वो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।